जितना आपके ऊपर जुल्म होगा, जितना आपके ऊपर अत्याचार होगा, उतना आप सत्ता के खिलाफ होंगे। और जब आप सत्ता के खिलाफ होंगे तो वोट किसको पाएंगे? विपक्ष को ही पाएंगे ना। इसलिए विपक्ष नहीं बोलता कि आप जितने लूटोगे, जितने पीटोगे, जितने कूटोगे, उतनी ही विपक्ष की वोट बढ़ेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी में क्या गुणवत्ता थी? हमारे आंदोलन का फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ। हरियाणा के उदाहरण बता देता हूं, भजन लाल ने हमारे बंदे मारे, फायदा बंसी लाल को हुआ। बंसी लाल ने आगे 5 कत्ल कर दिए, फायदा चौटाला को हुआ। चौटाला ने आके 7 कत्ल कर दिए। 1700 गोली किसानों को कम गिनती वालों की होती है, ज्यादा गिनती वालों का तो राज होता है। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, अगर आपकी एक नजर खेत पे है तो आपकी दूसरी नजर दिल्ली की कुर्सी पे होनी चाहिए। हमारी तो नहीं होगी। हम तो कहते हैं हम ऐ राजनीतिक रहेंगे, रहिए ता उम्र, ता उम्र रहिए, हमारी अगली पीढ़ी भी लड़ते लड़ते तबाह हो जाए, कुछ नहीं बचने वाला। एक को बदलोगे दूसरा आ जाएगा, वही पूंजीपति, वही पूंजीपति सबको चंदा देते हैं, वही आदमी पलटी मार के अब बीजेपी से पलटी मार के कांग्रेस में आ जाएंगे। पक्ष में कानून बनाएंगे, आपके पक्ष में कानून नहीं बनाएगा। साथियों समझना होगा, आज हो सकता है यहां कांग्रेस वाले के भाई बैठे हो, मेरी बात को ध्यान दें, आपको एक बात हूं, मेरी बात को ध्यान दें कि देश के पक्ष में कानून बनाए, जिस पार्टी का भी राज आए देश के पक्ष में कानून बनाए। जो भी सत्ता में है सबसे पहला धर्म है देश के लिए काम करना। हमारे राजनेता अपने लिए काम करते हैं या अपने परिवार के लिए काम करते हैं, धर्म है कि देश के लिए काम करना। तो साथियों आप सेहत अच्छी ना होने के बावजूद फिर भी देश को बचाने की लड़ाई में शामिल है। माननीय बलराज मलिक जी जो वकील साहब हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, पूनम पंडित जी, डॉक्टर मौलाना साहब, अभी हमारे सुबे सिंह ठाकर जी जो प्रभारी हैं हमारे संगठन के उत्तर प्रदेश के, अभी आए थोड़ा लेट आए, उनके बाद थोड़ा बोलेंगे। मेजर साहब, सरपंच साहब, महावीर गुज्जर जी जो हमारे अध्यक्ष हैं राजस्थान के, वीरेंद्र मोर जी, सत्यनारायण मेहरा जी, जाखड़ खा, पूनिया खा, धनखड़ खा, कादियान खा, इन सब के अध्यक्ष आए हुए हैं। सम्मानित मंच, सभी सामने बैठे मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी बहने, कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि देश की जो स्थिति है वो अति चिंताजनक है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। अभी जाति और धर्म के नाम पे बांट के जितने आप ध्यान से सुनेंगे उतनी आप में जागृति आएगी। अभी जाति और धर्म के नाम पे बांट के हमें असली मुद्दों से भटका रहे हैं। क्या है असली मुद्दे? असली मुद्दे हैं कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, और उसके आंकड़े क्या दर्शाते हैं कि आज 1% लोगों के पास 40% प्रॉपर्टी है, 40% देश की संपत्ति 1% लोगों के पास है। दूसरा आंकड़ा यह है कि आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के दर पर संपत्ति है। और तीसरा आंकड़ा यह है कि आज महान भारत के अंदर 23 करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं जिनको केवल 1 वक्त की रोटी मिलती है। आज
हमारे 45% बच्चे कुपोषित हैं और आज उसी देश के अंदर 15 लाख करोड़ उन बड़े पूंजीपतियों का जो सारे देश की संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं 15 लाख करोड़ उनका कर्जा माफ कर दिया है कि किसान कर्जे में रोजाना मर जाते हैं, इनका कर्जा माफ कोई नहीं करता। अब भी पुर्की करते हैं, निलंब नहीं करते। मजदूरों का कर्जा माफ कोई नहीं करता, आज भी उनको जड़ों में जाना पड़ता है कर्जा कर दे। साथियों, सवाल इस चीज का आया कि इस देश को बचाएगा कौन, और मेरी बात यहां कड़वी भी लगेगी। कड़वी इसलिए लगेगी कि मैं बीजेपी का तो विरोधी हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब तीन काले कानून बने थे, या जब देश के पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया जा रहा था, या जब अमीरों को और अमीर करने के, गरीबों को और गरीब करने के कानून बनाए जा रहे थे, तो ये विपक्षी पार्टियां कहां थी? कोई बोला 750 किसान सड़कों पे आके मरे, लड़ाई किसानों की नहीं थी। अगर पूरे देश का भोजन अगर कंपनियों के हवाले कर दिया जाए, उन्होंने आपके याद होगा 14-15 में 50 रुपए किलो दाल खरीदी थी हमारे से और 200 रुपए किलो दाल बेची थी। हुआ था ना? ये मुद्दा खाली पैदा करने वाले का नहीं था, ये मुद्दा खाने वाले का भी था। कहां थी विपक्षी पार्टियां? नहीं बोली, बोलेगी भी नहीं। क्यों? इसलिए उसका एक बड़ा कारण है, जितना आपके ऊपर जुल्म होगा, जितना आपके ऊपर अत्याचार होगा, उतना आप सत्ता के खिलाफ होंगे, और जब आप सत्ता के खिलाफ होंगे तो वोट किसको पाएंगे? विपक्ष को ही पाएंगे ना। इसलिए विपक्ष नहीं बोलता कि आप जितने लूटोगे, जितने पीटोगे, जितने कुटोगे, उतनी ही विपक्ष की वोट बढ़ेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी में क्या गुणवत्ता थी? हमारे आंदोलन का फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ। हरियाणा के उदाहरण बता देता हूं, भजन लाल ने हमारे बंदे मारे, फायदा बंसीलाल को हुआ। बंसीलाल ने आगे 5 कत्ल कर दिए, फायदा चौटाला को हुआ। चौटाला ने आके 7 कत्ल कर दिए, 1700 गोली किसानों को प्रदाग दी, फायदा हुड्डा को हुआ। अब हुड्डा कौन सा हमारा है? कोई नहीं है आपका, कोई नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि आप खुद अपने नहीं हो, और जब तक आप अपने नहीं होंगे तब तक कोई हमें नहीं बचा सकता। क्यों? हम अपने बीच से आदमी खड़ा नहीं कर सकते क्या? अरे 80% वोट के मालिक हैं हम, 80% वोट के मालिक हैं, और हम भिखारी, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, अरे यूनियन तो कम गिनती वालों की होती है, ज्यादा गिनती वालों का तो राज होता है। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, अगर आपकी एक नजर खेत पे है तो आपकी दूसरी नजर दिल्ली की कुर्सी पे होनी चाहिए, हमारी तो नहीं होगी। हम तो कहते हैं हम राजनीतिक रहेंगे, रहिए ता उम्र रहिए, हमारी अगली पीढ़ी भी लड़ते लड़ते तबाह हो जाए, कुछ नहीं बचने वाला। एक को बदलोगे दूसरा आ जाएगा, वही पूंजीपति सबको चंदा देते हैं, वही आदमी पलटी मार के, अब बीजेपी से पलटी मार के कांग्रेस में आ जाएंगे, कांग्रेस से 70 आदमी पलटी मार के बीजेपी में चले गए जब 2014 में सरकार आई थी, पलटी मार के दूसरे में आ जाएंगे, फिर राजपूनी का हुआ। साथियों, मेरी एक राय है, मैं आपसे राय लेना चाहूंगा, मेरी राय साहब आपकी समझ में आए तो हाथ खड़े करना, ना समझ में आए तो मत करना।
क्या हमें किसान मजदूरों की अपनी पार्टी नहीं बना लेनी चाहिए? क्या बनाने चाहिए ना? जिसकी वोट उसका राज क्यों नहीं रहता? यहां नोटों वालों का राज क्यों है? यहां कंपनी वालों का राज क्यों है? आज आधे राज्यसभा के मेंबर कंपनियों के मालिक हैं, कौन बचाएगा? वही आदमी सत्ता में बैठे हैं तो वो आदमी कारपोरेट के पक्ष में कानून बनाएंगे, आपके पक्ष में कानून नहीं बनाएगा। साथियों समझना होगा, आज हो सकता है यहां कांग्रेस वाले के भाई बैठे हो, मेरी बात को ध्यान दें, आपको एक बात कहूं, मेरी बात को ध्यान दें कि देश के पक्ष में कानून बनाए, जिस पार्टी का भी राज आए देश के पक्ष में कानून बनाए, जो भी सत्ता में है सबसे पहला धर्म है देश के लिए काम करना। हमारे राजनेता अपने लिए काम करते हैं या अपने परिवार के लिए काम करते हैं, धर्म है क्या देश के लिए काम करना। तो साथियों आप जहां तक आपका सवाल है वहां तो मैं ये कहूंगा कि बीजेपी को ना वोट दें, जो भी जीतने वाला हो बीजेपी को हराने वाला हो उसको दें, लेकिन उसके आगे के लिए राजनीति में बहुत बड़ा सुधार करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, आपने सम्मान दिया।